क्या लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। किसी को नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह किस दिन आएगा, परंतु यहां पर जो है वो लोग जो है भविष्यवाणी करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है 22 अक्टूबर 1844 को आएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह आने वाला इस डेट में आएगा, इस सन में आएगा। जो ये भविष्यवाणी करते हैं वो सब झूठे भविष्यवक्ता में सम्मिलित होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से चौथे खंड में है परमेश्वर का न्याय और 7 तुरहियों का परिचय। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय के 1 पद से लेकर 3 पद तक के विषय में, अर्थात 6 भाग के विषय में सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य के पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसके 1 से 3 पद तक के विषय में, उसके 7वें भाग के विषय में सीखेंगे। हम पढ़ देना चाहते हैं प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय 1 से 3 पद तक। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ परमेश्वर के मंदिर वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्यजातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगी। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। यहां पर जो है हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य का मंदिर वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नापना। हम बात कर रहे हैं पवित्र स्थान की सेवकाई के बारे में। पवित्र स्थान की सेवकाई में क्या क्या चीजें थी और उनकी सेवकाई का क्या अर्थ था। वहां पर जो पवित्र स्थान में 7 कलीसिया के बारे में वर्णन है, यानी 7 दीवट जो रखे गए थे वो 7 कलीसिया काल है, और 7 कलीसिया काल की ये जो अंतिम कलीसिया काल चल रहा है, लोकदेय कलीसिया काल जो है वो चल रहा है, और लोकदेय कलीसिया काल का जो आरंभ होता है वो 1844 से आरंभ होता है। क्यों होता है और इसको जानने के लिए हमने सीखा था पिछले संदेश में पशुओं के बारे में, यानी पशु के बारे में सीखने का मतलब है कि राज के बारे में जानना, क्योंकि राज का उदय होना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें जानने के लिए कि लोकदेय कलीसिया काल में कौन सा राज उदय हुआ है जिससे वो झूठा भविष्यवक्ता जो है वो कहलाया गया। हमने देखा था कि झूठा भविष्यवक्ता जो है वो अमेरिका जो है उसको कहा जाता है, क्योंकि उसकी कथनी और उसकी करनी में अंतर है पृथ्वी से, यानी प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसका 11वां पद पढ़ेंगे कि पृथ्वी से एक पशु निकला जिसके मेमने जैसे 2 सींग थे और अजगर के समान बोलता था, यानी स्वभाव वो मसीह का दिखाता था और कार्य उसके वो अजगर यानी शैतान वाले थे। और ये जो बात है उसकी कथनी और उसकी करनी में जमीन आसमान का अंतर है, और ये जो स्वभाव है ये अमेरिका के अंदर अमेरिका राज्य में बिल्कुल साफ जो है वो दिखाया गया है। एक भविष्यवाणी जो झूठ साबित हुई है, और उस भविष्यवाणी को समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्यों झूठ साबित हुई है इसके बारे में हम देखेंगे। विलियम मिलर का के बारे में आप सब जानते हैं, और विलियम मिलर का जन्म जो है 15 फरवरी 1782 में जो है अमेरिका में हुआ था। उनकी मृत्यु जो है 20 दिसंबर 1849 में लगभग 67 वर्ष की उम्र में हो गई थी। ये जो थे एक बैप्टिस्ट चर्च के उपदेशक थे और बहुत अच्छे स्पीकर थे, और बाइबल के परमेश्वर के वचन के बहुत से भेदों को, बहुत सी बातों को ये बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो प्रचार करते थे। कभी कदार कहते हैं ना कि कहते हैं कि कॉन्फिडेंस होना एक अच्छी बात होती है, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना ये चीज गलत होती है, नंबर एक बात। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो होती है कि जब इंसान अपनी समझ का सहारा लेने लगता है तो चीजें और भी गड़बड़ होने लगती हैं। यहां पर जो बात हम कर रहे हैं, हम विलियम मिलर के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो थे ये 7वें दिन को, यानी शनिवार जो 7वां दिन होता था ये उसको मानते थे और प्रभु के 7वें दिन के बारे में बातचीत करते थे। बैप्टिस्ट चर्च के लोग ये मानते थे कि सबत का दिन जो है वो शनिवार है। उस समय जो विलियम मिलर का जो नाम था वो बहुत था, और बहुत से ग्रुप
के जो लोग थे वो उनको बहुत मानते थे, चाहे वो मेथोडिस्ट के हों, चाहे वो किसी भी कलीसिया के लोग क्यों ना हो, उनका अपना एक बड़ा ग्रुप बना हुआ था और उस ग्रुप में बहुत से लोग जो थे वो होते थे। विलियम मिलर का जो एक आंदोलन का नाम दिया गया था, मिलराइट आंदोलन जिसको कहा गया, मिलराइट आंदोलन जो था वो एक ऐसा आंदोलन था कि ये यीशु मसीह के दूसरे आगमन के इंतजार में थे कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो है वो होने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा आगमन जो है वो होने वाला है। अब विलियम मिलर ने भविष्यवाणी करी थी 1840 में, जो है ये भविष्यवाणी करी थी कि यीशु मसीह जो है 22 अक्टूबर 1844 में आने वाला है। 22 अक्टूबर 1844 में आने वाला है। मगर यीशु मसीह जब नहीं आया तो इस ग्रुप के लोगों को बहुत निराशा का सामना करना पड़ा। ये पूरी तरीके से तैयार था कि यीशु मसीह आने वाला है और इस ग्रुप को जो है बहुत निराशा का सामना करना पड़ा, बहुत सी निराशा हुई। और उस समय ये जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा जो था अमेरिका के लिए बन गया। और जब एक बहुत बड़ा मुद्दा अमेरिका के लिए बन गया तो अमेरिका जो है इस तरीके से दुनिया के सामने जो है स्पिरिचुअल तरीके से जो है वो सामने आया, प्रकट हुआ कि जो है भविष्यवाणी की गई। भविष्यवाणी देखिए और भी बहुत से लोगों ने करी, 500 ईस्वी से जो है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की भविष्यवाणी हो रही है, ध्यान दीजिएगा 500 ईस्वी। परंतु उन लोगों में जो है क्यों उनको, हालांकि गलत वो भी थे, झूठे वो भी थे, क्योंकि उस भविष्यवाणी को कोई नहीं कर सकता है, मगर उनके ऊपर इतना असर क्यों नहीं पड़ा। यहां पर असर पड़ने का मतलब है ये एक बड़ा ग्रुप था, मिलराइट ग्रुप आंदोलन जो था, एक आंदोलन का नाम था, एक क्रांति आंदोलन, यानी किसी चीज को क्रांतिकारी कहा जाता है उसको लेकर होता था। और दूसरी चीज क्या कहते हैं, एक बहुत बड़ा नामी ग्रामी ग्रुप था और बहुत से नामी ग्रामी जो सेवक जो थे वो इससे जुड़े हुए थे। और एक बहुत बड़े विषय पे जो है यीशु मसीह जो है 22 अक्टूबर 1844 में आ रहा है, जो ये बात दुनिया में जो है आग की तरह फैल गई थी। और फिर सबसे बड़ी बात क्या थी कि उसी झूठ के आधार पर जो है उस झूठे भविष्यवक्ता का जो था वो उदय होना था, जो अमेरिका के रूप में हुआ है। ये होना बहुत ज्यादा जो था वो जरूरी था, उसकी ये भविष्यवाणी जो है झूठी हुई। और इस कारण जो है कि झूठी हुई और उस झूठ की भविष्यवाणी के आधार पर अमेरिका का प्रगटीकरण हुआ, प्रगट हुआ दुनिया के सामने। और यीशु मसीह के बारे में अगर हम आगमन की भविष्यवाणी करने वाले झूठे क्यों होते हैं, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह आने वाला इस डेट में आएगा, इस सन में आएगा, जो ये भविष्यवाणी करते हैं वो सब झूठे भविष्यवक्ता में सम्मिलित होते हैं। और झूठे भविष्यवक्ता क्यों होते हैं, अब यहां पर विलियम मिलर का भी क्या था, पॉपुलर हो गए, बहुत ज्यादा फेमस हो गए और उनका ग्रुप बहुत बढ़ता गया, लोग उनको बहुत मानने लगे। परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है, नीति वचन जब 3 और उसका 5 पद पढ़ेंगे, माने का अपनी समझ का सहारा ना ले वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रख। जब हम अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं तो हम क्या होते हैं, हम फेल हो जाते हैं, हमारी मिनिस्ट्री फेल हो जाती है। आपका चाहे मिनिस्ट्री में कितना बड़ा नाम क्यों ना हो, आप कितने बड़े सेवक क्यों ना हो, आप क्या कहते हैं पीएचडी करे हो या आप बहुत बड़ी थियोलॉजी करे हो, आप इंटरनेशनल प्रीचर क्यों ना हो, आप जो है लाखों की पब्लिक में बोलते क्यों ना हो, परंतु यदि आप अपना समझ का सहारा लेकर बोल रहे हैं, चाहे आप लाखों की पब्लिक में बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आप तो गड्ढे में जा रहे हैं, आप उन लाखों की पब्लिक को भी गड्ढे में डाल रहे हैं। आपने जो पीएचडी करी है वो पीएचडी जो है वो आपने परमेश्वर के वचन के आधार पर पीएचडी नहीं करी, पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं करी, वो मनुष्यों के सिखाए के अनुसार करी है। और इसलिए आप मनुष्यों के सिखाए के अनुसार जो कार्य कर रहे हैं वो सब झूठे कार्य हैं। इसलिए कहते हैं बहुत सी चीजों को समझना जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और यहां पर जो है विलियम मिलर जो है इस बात को जो है उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी समझ का सहारा लिया। अब अपनी समझ का सहारा जो है वो नहीं लेना चाहिए। मत्ती 24 अध्याय उसके 42 पद में क्या लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। स्पष्ट तरीके से यीशु मसीह ने, चेलों के अंदर भी जिज्ञासा,
चेले भी भविष्यवाणी कर सकते थे कि यीशु मसीह इस दिन आने वाला, पौलुस भी भविष्यवाणी कर सकता था, परंतु पौलुस और चेलों ने क्यों नहीं करी, क्योंकि वो अपनी समझ का सारा नहीं, वो परमेश्वर के समझ के सारे के अनुसार जो पवित्र आत्मा उनको दिया गया था उस पवित्र आत्मा के समझ के अनुसार कार्य करते थे, ना कि अपनी समझ के अनुसार या दूसरों की समझ के अनुसार नहीं करते थे। और यहाँ स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है, चेले भी ये जानना चाहते थे, प्रभु इस दुनिया का अंत और तेरे आने का क्या समय होगा वह हमें बता। मगर प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट उनको यह बताया कि क्या लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। किसी को नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह किस दिन आएगा, परंतु यहां पर जो है वो लोग जो है भविष्यवाणी करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है 22 अक्टूबर 1844 को आएगा। भैया तुम्हें कैसे पता, क्या प्रभु ने तुम्हारे कान में आगे फूंक दिया, या प्रभु ने तुम्हारे कान में आके कह दिया इस दिन आऊंगा बेटा भविष्यवाणी कर दे। है? अगर प्रभु ने कहा होता तो वो भविष्यवाणी झूठी नहीं होती, फिर वो झूठी क्यों हुई, क्योंकि प्रभु ने कहा ही नहीं। और क्या लिखा हुआ, परमेश्वर का वचन आप पढ़ सकते हैं, मत्ती 24 का 36 पद भी पढ़ लीजिए, मत्ती 25 का 13 पद भी आप पढ़ सकते हैं, और प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसके 7वें पद में क्या लिखा है, उसने उनसे कहा उन समय या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है। देखिए यहां क्या लिखा है, जिस समय को परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा है और प्रकट नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जाते समय ये शिक्षा दे रहे हैं, तुम्हें उसको जानने की आवश्यकता नहीं है अब कि प्रभु यीशु मसीह किस दिन आएगा, इसको जानने की आवश्यकता नहीं, ये पिता के हाथ में, जो समय और जो काल परमेश्वर ने खोल दिए हैं बस आप उनकी चर्चा कीजिए, जो पिता ने आपके अधिकार में दे दिया है, और जो पिता ने आपके अधिकार में नहीं दिया और उस पिता के उस कार को अगर आप खोल रहे हैं तो आप झूठे भविष्यवक्ता ठहरते हैं। और यहां विलियम मिलर जो एक बड़ा ग्रुप, जो अमेरिका का एक बड़ा ग्रुप था, वो झूठा बना और इसलिए वो झूठा भविष्यवक्ता कहलाया। बहुत समझने की बातें हैं, और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब आप परमेश्वर के वचन को आप पढ़ेंगे ना, व्यवस्था विवरण 29 ये जरूर पढ़िएगा जो मैं आपको दे रहा हूं, डैनियल 2 अध्याय 21 पद और पहला थसलुनीकियों 5:1 के विषय में पढ़ेंगे, और पहला थसलुनीकियों 5 और उसके दूसरे पद में क्या लिखा हुआ, परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु का दिन चोर के समान है, जैसा चोर के का समय निर्धारित नहीं होता है, वहां लिखा ना, जब आप पहला थसलुनीकियों 5:2 पढ़ेंगे कि प्रभु का दिन किसके समान है, चोर के समान है लिखा है, कि प्रभु का दिन जो है वो चोर के समान है। किस दिन प्रकट होगा, चोर के समान आकर प्रकट हो जाएगा, यानी चोर का कोई समय नहीं होता है और चोर की कोई दिन तारीख नहीं होती है। ऐसे ही प्रभु के आने का कोई समय निर्धारित नहीं है, कोई दिन तारीख निर्धारित नहीं है कि वो किस समय आ जाएगा। एक एग्जाम्पल दिया है चोर का उन्होंने, एक उदाहरण दिया है जो एक सटीक उदाहरण है, कि प्रभु ये समझाना चाहता है कि मेरा जो समय है, मेरा जो आने का समय है, मेरा जो दूसरा आगमन का समय है, उसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है और ना दी गई है जो वो भविष्यवाणी करें। परमेश्वर का वचन जो बता रहा है, आप इसके सामने चोर के समान के बारे में आप पढ़ सकते हैं, दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 10 पद, और प्रकाशित वाक्य 3:3 और प्रकाशित वाक्य 16:15 के विषय में भी आप पढ़ सकते हैं कि उसका जो समय काल है वो चोर के समान है। अब यहां पर जो है, यहां क्या करा है, विलियम मिलर ने अपनी समझ का सारा लिया और वो एक झूठा भविष्यवक्ता बन गया, यानी परमेश्वर के वचन के बिल्कुल विरोध में बात करी उसने, कि नहीं साहब मैं जानता हूं प्रभु। अब प्रभु कह रहा है कि उस घड़ी उस समय को कोई नहीं जानता। देखिए मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन यहां पर वो बताता है, मैं आपको एक रेफरेंस जो है बताना चाहता हूं, आप निकाल सकते हैं मेरे साथ मत्ती 24 अध्याय और उसका 36 पद है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। अब यहां प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि पुत्र भी नहीं जानता है कि मेरा पिता मुझे कब भेजेगा, किस दिन भेजेगा। एक मनुष्य होने के नाते देखिए वहां पर क्या है, प्रभु यीशु मसीह आदर्श परमेश्वर का प्रतिरूप है, एक वो पिता ही है और वो पिता के रूप में वो उस चीज को जानता है, परंतु जब वो पृथ्वी पर है, ये चीज समझना, जब वो पृथ्वी पर है एक मनुष्य रूप में, तो वो इस बात को प्रकट कर रहा है कि एक मनुष्य रूप में मैं इस बात को नहीं जानता हूं और परमेश्वर के दूत भी नहीं जानते हैं,
और अगर हम मनुष्य रूप में बात करें तो मनुष्य रूप की अगर हम बात हटा दे प्रभु यीशु मसीह के लिए, अगर पुत्र की बात करें हम सिर्फ, तो पुत्र के रूप में भी वो नहीं जानता है। ध्यान दीजिएगा, एक पिता के रूप में, परमेश्वर के रूप में, ईश्वरीय रूप में तो वो जानता है, परंतु एक पुत्र के रूप में और एक मनुष्य के रूप में प्रभु यीशु मसीह ये नहीं जानता, और स्वर्ग के दूत भी ये नहीं जानते हैं कि उसका दूसरा आगमन कब आएगा। तो विलियम मिलर जैसे लोग और जो और बहुत से सेवक जो है बड़े बेखटके होकर भविष्यवाणी करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस दिन आने वाला है, अरे भैया झूठे भविष्यवक्ता जो है खड़े हो गए। और ये एक बड़ा ग्रुप जो है जिसमें बहुत बड़े बड़े सेवक थे, ये सब झूठे भविष्यवक्ता में गिने गए हैं, ये सब झूठे भविष्यवक्ता ठहराए गए। और इन्हीं की झूठी भविष्यवाणी के द्वारा जो 1844 में जो की गई है और प्रभु यीशु मसीह नहीं आया, तो वो झूठे पशु का भी उदय जो है, उदय तो हो चुका था परंतु प्रगटीकरण जो लोगों के सामने जो प्रकट हुआ है एक झूठे भविष्यवक्ता के सामने 1844 में। इसलिए लोकदियाई कलीसिया काल का जो आरंभ होता है वो 1844 से होता है, ये ध्यान रखें इस बात को। तो और दूसरी बात ये ध्यान रखें, अगर कोई कहता है मसीह यहां पर है, वहां पर है, या यीशु मसीह इस दिन आने वाला, उससे बिल्कुल दूरी बना लीजिए, दूर हो जाइए, क्योंकि वो झूठा भविष्यवक्ता है, क्योंकि वो अपनी समझ के अनुसार जो है वो परमेश्वर के वचन को यूज कर रहा अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर के वचन की सच्चाई को समझें और उसमें जीने की कोशिश करें कि परमेश्वर क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 1 से 3 तक का समय अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम पहले ही पॉइंट के ऊपर हैं। पहला पॉइंट कौन सा है कि पवित्र स्थान, वेदी और उसमें उपासना करने वालों को नाप ले, अभी हम वहीं की चर्चा करें। पवित्र स्थान की सेवकाई के बारे में, पवित्र स्थान की वर्शिप के बारे में बातचीत, अभी 2 और रह जाते हैं, हो सकता है इसके और बने, मगर धीरज के साथ आप इसे सुनिए, कितने भी इसके भाग क्यों ना बन जाए, ताकि परमेश्वर के वचन की सच्चाई हम चाहते हैं, परमेश्वर चाहता है कि हमारे और आपके जीवन तक पहुंचे। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।